आत्माओं से बात करता था ये बच्चा। इसने अपनी माँ को सुनाई ऐसी कहानी जिससे इसकी माँ थरथर कांपने लग गई। आज की वीडियो में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, तब तक चैनल को सब्सक्राइब और हमारे पेजेस को भी फॉलो कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानेंगे इस बच्चे का रहस्य। आत्माएं होती है या नहीं, ये तो बस वही बता सकते हैं जिसने कभी ऐसा कुछ महसूस किया हो। अगर आपने भी ऐसा कुछ महसूस किया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे आमतौर पर लोगों का ये मानना होता है कि भूत नहीं होते हैं। कुछ समय पहले तक अमेरिका के न्यूपोर्ट की रहने वाली एक महिला को भी यही लगता था, लेकिन उसके 2 साल के बेटे ने एक ऐसी खौफनाक कहानी सुनाई जिसने उसे आत्माओं के अस्तित्व पर भरोसा करने के लिए मजबूर कर दिया। ट्रिकिया जॉर्डन नाम की महिला ने बताया कि उसके 2 वर्षीय बेटे लुका को मरे हुए लोग दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, वो उनसे बात भी करता है। इस बात का पता उन्हें तब चला जब लुका महज 2 साल का था। महिला ने बताया कि लुका को अचानक उसकी दादी दिखने लगी, जबकि उनकी मौत तभी हो गई थी जब लुका 1.5 साल का था। इसके कुछ ही महीनों बाद वो अजीब अजीब हरकतें करने लगा। एक दिन उसने अपनी माँ से बताया कि उसे सुबह उसकी दादी ने उठाया। ये सुनकर ट्रिकिया काफी घबरा गई, क्योंकि ये वो वक्त था जब लुका अभी बोलना सीख ही रहा था और मुश्किल से ही वो 2-4 शब्द बोल पाता था। ट्रिकिया ने बताया कि उस घटना के कुछ दिनों बाद उसने एक गाना गुनगुनाना शुरू कर दिया। ये गाना सुनकर तो महिला के रोंगटे खड़े हो गए और वो काफी डर गई, क्योंकि लुका जिस गाने को गुनगुना रहा था वो उसकी दादी उसके पैदा होने से पहले गाया करती थी। एक और घटना का जिक्र करते हुए महिला ने बताया कि तब लुका 4 साल का हो चुका था और वो अपनी कार से कहीं जा रहे थे। इसी बीच लुका ने एक घर के सामने कार रुकवा दी और कहने लगा कि इस घर में मार्टिन नाम का एक व्यक्ति रहता था जिसकी मौत आग लगने से हो गई थी। लुका ने बताया कि मार्टिन अभी भी वहीं रहता है। ये सुनकर तो ट्रिकिया डर के मारे थरथर कांपने लग गई और उसने बिल्कुल भी देर ना करते हुए गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से कार को आगे बढ़ा लिया। मार्टिन वाली घटना ने ट्रिकिया को अंदर से हिला के रख दिया। हालांकि उसने सच्चाई जानने के लिए जनगणना रिपोर्ट की जाँच की और उसने आसपास के लोगों से भी पूछताछ की तो पता चला कि सच में मार्टिन की मौत आग लगने से हुई थी। ट्रिकिया बताती है कि अब उन्होंने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है कि लुका मरे हुए लोगों को देख सकता है और उनसे बात कर सकता है, क्योंकि उसके पास ना कोई शक्ति है। वो कहती है कि उन्हें भी अब डर नहीं लगता है, क्योंकि उनके बेटे को भी आत्माओं से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। क्या आपके साथ भी भूत वाले हादसे हुए हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी कहानी जरूर बताना, क्योंकि क्या पता कि अगली वीडियो आप पे ही हो। हम आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो जरूर पसंद आया होगा और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और हमारे पेजेस को सोशल साइट्स पर भी फॉलो कर सकते हैं जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।